गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण। आज आपका टॉपिक है कछुआ और खरगोश। ये प्रथम क्लास की बुक से ली गई है, जो कि एक कहानी है खरगोश और कछुए की। तो जो ये कहानी है, इसमें बताया गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये आपकी कहानी है, जिसे हम आज करेंगे, ठीक है। कछुआ और खरगोश कहानी। प्रस्तावना। प्रस्तुत चित्रकथा में बताया गया है कि हमें कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो कहानी है आपको यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम इसे रीड करेंगे और फिर इसकी समरी करेंगे, ठीक है। किसी जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। एक जंगल था जिसमें खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। जो खरगोश है उसे अपने आप पर काफ़ी घमंड था कि वो तेज दौड़ सकता है। एक दिन खरगोश कछुए के पास गया और बोला। एक दिन की बात है, जो खरगोश है वो कछुए के पास गया और उससे कुछ बोला। अब क्या बोला वो आगे हम पढ़ेंगे। अरे भाई, कैसे हो? बहुत दिन हो गए, तुम दिखाई नहीं दिए, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न चलकर तुम्हारा हाल चाल ले लूँ। जो खरगोश है वो कछुए से कहता है कि हमें तो मिले काफ़ी दिन हो गए हैं एक दूसरे से, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे क्यों ना मिल लूँ। हमें तो काफ़ी दिन हो गए हैं एक दूसरे का हाल चाल। जो कछुआ है वो कहता है कि हमें तो एक दूसरे का हाल चाल जाने हुए काफ़ी दिन हो गए। ये जो कछुए को जो बात कही, ये खरगोश ने कही थी कि हमें तो काफ़ी दिन हो चुके एक दूसरे से बात किए और मिले भी नहीं हैं। उसके बाद भाई, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं बहुत दिन से कहीं गया नहीं और तुम भी बताओ। अब जो कछुआ है वो कहता है कि नहीं, मैं तो काफ़ी दिन से भाई यहीं हूँ, उसके बाद मैं कहीं पर गया था, मतलब मैं कहीं, वो कह रहा था हम एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन मैं कहीं काम पे गया हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि तुम बताओ। कछुआ है वो अब खरगोश से ही पूछता है कि तुम बताओ। अब आगे, चलो हम दोनों दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कौन विजयी होता है। खरगोश है वो कछुए को बोलता है कि हम चलो दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन जीतता है, विजय होता है। उसके आगे, अरे नहीं भाई, मैं तुमसे कैसे दौड़ लगा सकता हूँ। उसके आगे कछुआ है, कछुआ बोलता है कि नहीं, तुम तो तेज दौड़ते हो, मैं तुमसे कहाँ दौड़ लगा सकता हूँ। आगे, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे डर लगता है ना कि तुम हार जाओगे। अब खरगोश है वो कछुए को कहता है कि मुझे तो पता है तुम मेरे साथ इसलिए दौड़ नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें तो मुझसे डर लगता है, भयभीत हो तुम इससे कि कहीं तुम हार ना जाओ इसीलिए। उसके बाद कछुआ कहता है, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, चलो जब तुम इतना कहते हो तो दौड़ लगा लेते हैं। कछुआ उसके बाद कहता है कि तुम इतनी जो विनती कर रहे हो तो चलो हम रेस जो दौड़ है वो लगाना शुरू करते हैं। दोनों के बीच दौड़ होती है। काश मैं भी तेज दौड़ सकता, कछुआ है अब खरगोश को देखकर कहता है कि काश मैं भी अब तेज दौड़ पाता। खरगोश, अरे अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, क्यों ना मैं आराम कर लूँ। अब जो कछुआ है वो तो आराम से दौड़कर आ रहा है और खरगोश तो काफ़ी तेज दौड़कर आगे निकल गया और उसने पीछे मुड़ के देखा तो जो कछुआ है वो तो था ही नहीं। तो खरगोश ने सोचा क्यों ना मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूँ। अरे यह क्या, खरगोश तो बड़े आराम से सो रहा है। अब खरगोश था वो एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। उसने सोचा था कछुआ तो अभी आया ही नहीं है तो मैं आराम कर लेता हूँ, लेकिन वो गहरी नींद में वहीं सो गया, आराम करता रह गया। और जो कछुआ था वो उसे देखकर आगे बढ़ता रहा। अरे ये कहाँ, कछुआ भैया तो मुझसे आगे निकल गए,
और जब कछुआ आगे चलता रहा आराम आराम से ही, तो जब खरगोश की आँख खुली तो उसने देखा कि जो कछुआ है वो तो काफ़ी आगे निकल गया है। मैं विजयी हुआ, मैंने खरगोश से पहले विजय रेखा पार की, मैं तो जीत गया। अब जो खरगोश है वो तो पीछे रह गया और जो कछुआ है वो कहता है कि अरे वाह। कछुआ खुश हुआ क्यों? क्योंकि उसने जो विजय रेखा होती है, जो लास्ट लाइन थी, वो पार कर ली थी, जिससे कि जो कछुआ था वो काफ़ी खुश था। क्यों? क्योंकि वो जीत गया था रेस। क्यों? क्योंकि जो कछुआ वो कितनी धीमी गति से दौड़ रहा था और खरगोश इतनी तेज गति से दौड़ने के बावजूद भी उसने आराम किया और वह गहरी नींद में रह गया वहीं पेड़ के नीचे। उसे बाद में देखा तो खरगोश तो काफ़ी दूर निकल गया, जिससे कि वह जीत गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अब खरगोश को क्या घमंड था कि वो काफ़ी तेज दौड़ता है, लेकिन क्या हुआ, वो तो हार गया और जो धीमी गति से दौड़ता था कछुआ वो जीत गया। तो इसीलिए कहा गया है हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना आता है या हमारे पास ज़्यादा रुपये पैसे है, तो हमें उस चीज़ का भी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। ये इससे आपको शिक्षा मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।